वेलकम टू एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल्स पे बात करेंगे। पिछले दो क्लास में जो हम लोग थ्योरी पे बात किए थे, डिफॉर्मेशन पे, इलोंगेशन पे, उसी क्लास पे बेस्ड हमारा प्रॉब्लम्स है आज। और मैंने चार प्रॉब्लम्स को सेलेक्ट किया है, चारों डिफर प्रॉब्लम है और वन बाय वन हम इसको सॉल्व करेंगे और चारों प्रॉब्लम से आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए, छोटा प्रॉब्लम है बट इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट है, बहुत कम टाइम में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम आपके बोर्ड पे गिवन है, इसको रीड करते हैं, इसके अकॉर्डिंग गिवन डेटा को राइट करते हैं, फिर हम इसकी फिगर को ड्रॉ करते हैं। उसके बाद जो हमारा प्रॉब्लम रिक्वायर, द प्रॉब्लम जो फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि ये रॉड 600 mm लॉन्ग एंड डाया 100 mm इज सब्जेक्टेड। क्लियर, मतलब यहाँ पे कंफर्म हो गया कि जो रॉड है वो तो सर्कुलर होगा क्योंकि इसका डाया गिवन है, स्क्वायर रॉड नहीं होगा। क्लियर, तो हम यहाँ फिगर बना लेते हैं। चलिए, इसका डाया कितना है, ये है 100 mm। इसका लेंथ गिवन है, लेंथ कितना है 600 mm। क्लियर, आगे क्या कह रहा है, इज सब्जेक्टेड टू ए पुल ऑफ 1000 किलोन्यूटन फोर्स। इज सब्जेक्टेड टू ए पुल ऑफ, पुल का मतलब खींचना, मतलब टेंसाइल फोर्स, ये बता दे रहा है। कितना लग रहा है ये, तो ये लग रहा है 1000 किलोन्यूटन। फाइंड द एक्सटेंशन ऑफ द रॉड, एक्सटेंशन निकालना है, मतलब चेंज इन लेंथ निकालना है, इज इक्वल टू व्हाट। अब गिवेन क्या क्या है, तो गिवेन आप देख लीजिए यहाँ पे, गिवेन लेंथ है, लेंथ इज इक्वल टू 600 mm, डाया गिवेन है, डाया डी इज इक्वल टू 100 mm। क्लियर, अब आगे क्या गिवेन है, आगे हमारा लोड गिवेन है, लोड पी इज इक्वल टू 1000 किलो न्यूटन। फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई इज इक्वल टू गिवेन है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर, चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या निकालना है, एक्सटेंशन निकालना है, मतलब डिफ्लेक्शन निकालना, डिफॉर्मेशन निकालना, ये आपको पता है एक्सियल डिफॉर्मेशन क्या होता है, पी एल बाय ए ई। क्लियर, यहाँ पे पी आपको गिवेन है प्रॉब्लम में, एल गिवेन है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी गिवेन है और एरिया गिवेन नहीं है। तो एरिया गिवेन नहीं है तो उसके प्लेस पे क्या है, उसके जगह पे डाया गिवेन है, तो एरिया हम लोग कैलकुलेट कर लें। एरिया क्या होगा, पाई बाय 4 इंटू डी का स्क्वायर, पाई बाय 4, डाया कितना है 100 का स्क्वायर। क्लियर, जब इसको सॉल्व करेंगे पाई बाय 4 इंटू 100 का स्क्वायर, तो ये आ रहा है हमारा 7853.98 मिलीमीटर स्क्वायर। इसको राउंड फिगर में जब लिखेंगे तो 7854 मिलीमीटर स्क्वायर। क्लियर, 7854। अब यहाँ से इस पर पुट कर देते हैं, पी कितना है, पी 1000 है, 1000 किलो न्यूटन है, सो इसको न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³। लेंथ कितना है, तो 600 mm है, डिवाइडेड बाय एरिया 7854 इंटू, बस इंटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 2 × 10⁵। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आ रहा है 0.38 mm। फर्स्ट प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो चुका है, बहुत ही आसान है। क्लियर, अब सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये भी रॉड ही है, ए रॉड 1 मीटर लॉन्ग एंड 20 mm by 20 mm इन क्रॉस सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू ए पुल ऑफ 10 kN फोर्स। यहाँ पे जो रॉड है ये आपका स्क्वायर रॉड है, क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन बता रहा है कि ये रॉड जो है वो स्क्वायर रॉड है। स्क्वायर रॉड का हम लोग फिगर बना लें। क्लियर, अब इसका लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ कितना गिवेन है, लेंथ गिवेन है 1 मीटर, एल इज इक्वल टू 1 मीटर, ये गिवेन है लेंथ। और फिर इसका क्रॉस सेक्शन, ये 20 mm है और ये 20 mm है। आगे क्या गिवेन है,
इज सब्जेक्टेड टू ए पुल ऑफ 10 किलो न्यूटन फोर्स। यहाँ भी जो फोर्स लग रहा है वो टेंसाइल फोर्स लग रहा है, क्योंकि इसमें कह रहा है पुल ऑफ 10 किलो न्यूटन। तो ये टेंसाइल फोर्स कितना लग रहा है? ये लग रहा है 10 किलो न्यूटन का, ये 10 किलो न्यूटन। क्लियर? डिटरमाइन द स्ट्रेसेस। डिटरमाइन क्या करना है? तो डिटरमाइन करना है स्ट्रेस। स्ट्रेस को सिग्मा से नोट करते हैं, इज इक्वल टू व्हाट, ये डिटरमाइन करना है। तो कर लीजिए, गिवन डेटा पहले लिख लीजिए। गिवन क्या है? तो लेंथ गिवन है, लेंथ इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू 1 मीटर। फिर हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है, क्रॉस सेक्शन एरिया जिसको ए से डिनोट करते हैं, ये गिवन है 20 by 20 इज इक्वल टू 400 mm². क्लियर? आगे क्या गिवन है? लोड गिवन है, लोड पी इज इक्वल टू 10 kN। फिर क्या गिवन है? और कुछ नहीं गिवन है, स्ट्रेस कैलकुलेट करना है। तो स्ट्रेस क्या होता है? सिग्मा इज इक्वल टू लोड डिवाइडेड बाय एरिया, यही होगा ना? स्ट्रेस तो सिंपल है, लोड डिवाइडेड बाय एरिया। लोड कितना है? 10 kN टू 10 × 10³ न्यूटन में कन्वर्ट कर दिए, और एरिया गिवन है इसमें 400। इसको सॉल्व कीजिए, पता चल जाएगा 25 N/mm² इसका स्ट्रेस आ रहा है। बस कुछ भी नहीं करना, कितना आसान है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है ये देख लीजिए, रीड कीजिए इसको। ये कह रहा है कि स्क्वायर स्टील रॉड 20 mm by 20 mm इन सेक्शन इज टू कैरी एन एक्सियल लोड कॉम्प्रेसिव। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है कि ये मेंशन है कि कॉम्प्रेसिव है नेचर इसका फोर्स का। आगे कह रहा है कैलकुलेट द शॉर्टेनिंग इन ए लेंथ। तो पहले तो इसका फिगर बना लीजिए, ये भी हमारा स्क्वायर रॉड ही है, क्लियर? अब इसका क्या है क्रॉस सेक्शन? ये है 20 mm और ये भी 20 mm। आगे कह रहा है इन सेक्शन इज टू कैरी एन एक्सियल लोड कॉम्प्रेसिव। कॉम्प्रेसिव नेचर का एक्सियल लोड है, मतलब हम लोग जो रॉड को है वो कॉम्प्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं। तो वो कितना है लोड उसका? 100 kN। 100 kN से हम लोग रॉड को कॉम्प्रेस कर रहे हैं। आगे कह रहा है कैलकुलेट द शॉर्टेनिंग इन ए लेंथ ऑफ 50 mm, मतलब इस रॉड का लेंथ जो है वो 50 mm है। अब इस लेंथ में कितना शॉर्टेनिंग होगा जब हम कॉम्प्रेसिव लोड से कॉम्प्रेस करेंगे, तो कितना वो कॉम्प्रेस होगा, तो वो कैलकुलेट करना। वही कह रहा है शॉर्टेनिंग का मतलब वही, तो यहाँ पर डिफॉर्मेशन ही कैलकुलेट करना है। क्लियर? चलिए अब गिवन डेटा लिख लीजिए। क्या है गिवन? तो एरिया गिवन है, एरिया है 20 by 20 इज इक्वल टू 400 mm². आगे क्या गिवन है? लोड गिवन है, लोड जिसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं और एरिया को ए से डिनोट करते हैं। पी ये कितना गिवन है? तो 100 kN। आगे कह रहा है कैलकुलेट द शॉर्टेनिंग, मतलब डेल एल इज इक्वल टू व्हाट। फिर इसका लेंथ कितना है? लेंथ इसका है, इसको L से डिनोट करते हैं, ये है 50 mm। आगे देखिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये कितना है? तो ये है 2.14 × 10⁸ kN/m². ये मिलीमीटर नहीं है, सॉरी, ये kN/m² है इसका यूनिट। क्लियर? बस अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, कुछ भी नहीं करना है, तुरंत सॉल्व कर लीजिए। आप देख लीजिए, सॉल्व करने के लिए करना क्या है? डेल एल निकालना है। डेल एल निकाल लेते हैं हम लोग। डेल एल इज इक्वल टू क्या होता है? पी एल बाई ए। पी गिवेन है, पी कितना गिवेन है? 100 kN, मतलब न्यूटन को किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट कीजिए। लेंथ कितना गिवेन है? लेंथ 50 mm डिवाइडेड बाय एरिया कितना गिवेन है? एरिया 400 mm का स्क्वायर, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 2.14 × 10⁸
क्या है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बाकी सारा यूनिट एरिया लेंथ सब मिलीमीटर में, तो इसको भी मिलीमीटर में कन्वर्ट कीजिए और किलो न्यूटन को भी न्यूटन में कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि हम लोग यहाँ फोर्स को न्यूटन में कन्वर्ट कर चुके हैं लोड को, क्लियर। तो किलो न्यूटन को न्यूटन में 10^3 से मल्टीप्लाई कीजिए और मिलीमीटर नीचे है मतलब मीटर डिवाइड में है तो डिवाइड कीजिए, 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, अब इसको याद रख लीजिए, 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर होता है, फ्यूचर के लिए याद रख लीजिए इसको, आपको पता है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं पता है तो आप इसको याद रखिए, 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर होता है, तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000, और यहाँ पे स्क्वायर है तो 1000 का स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आ रहा है 0.0584 मिलीमीटर, यही इसका आंसर है, क्लियर। मतलब जब हम कॉम्प्रेसिव लोड 100 किलो न्यूटन का लगा रहे हैं तो कितना कॉम्प्रेस हो रहा है, जब जिसका लेंथ जिस स्पेसिमेन का लेंथ 50 mm है तो उसमें कितना कॉम्प्रेस हो रहा है, तो 0.0584 मिलीमीटर, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है देखिए आप स्क्रीन पे, एक मिनट, ये हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये एक मतलब ऑब्जर्वेशन डेटा है, जब हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एक स्पेसिमेन का, माइल्ड स्पेसिमेन का, तो उसमें टेंसाइल लोड लगने के बाद उसका डेटा जो आ रहा है वो ऑब्जर्वेशन डेटा गिवन है प्रॉब्लम में, उसके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो देख लीजिए जो डेटा गिवन है उसको पहले हम लोग राइट कर लेते हैं, फ्लोइंग क्वेश्चन को रीड कीजिए पहले, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वेयर मेड ड्यूरिंग ए टेंसाइल टेस्ट ऑन ए माइल्ड स्टील स्पेसिमेन 40 mm इन डायमीटर, तो गिवन क्या है डायमीटर, इसको स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, ये हमारा 40 mm है, क्लियर। उसके बाद है लेंथ, लेंथ कितना है इसको L से डिनोट करते हैं, ये है 200 mm, क्लियर। फिर आगे क्या कह रहा है, इलोंगेशन विथ 40 किलो न्यूटन लोड, मतलब लोड जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो भी 40 किलो न्यूटन का, और कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, विद इन लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जब हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ रहे थे तो वहाँ पे दिखाए थे ना प्रोपोर्शनल लिमिट, तो उसी के अंदर तक लोड जो अप्लाई कर रहे हैं उसका लोड का मैग्नीट्यूड है 40 किलो न्यूटन, क्लियर। और जब वहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं जो उसमें डिफॉर्मेशन हो रहा है, इलोंगेशन हो रहा है, वो कितना हो रहा है 0.0304 मिलीमीटर, तो लिख लीजिए यहाँ पे लोड हमारा हो जाएगा P इज इक्वल टू 40 किलो न्यूटन विद इन लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इसका डिफॉर्मेशन मतलब इलोंगेशन हो जाएगा डेल एल, ये हो जाएगा हमारा 0.0304 मिलीमीटर, क्लियर। तो ये गिवन है, बाकी सारा टर्म यील्ड लोड 161 किलो न्यूटन, मैक्सिमम लोड 240 किलो न्यूटन, लेंथ ऑफ स्पेसिमेन एट फ्रैक्चर, द फ्रैक्चर लेंथ ये भी गिवेन है, फ्रैक्चर लेंथ इसको L माने थे तो इसको L1 मान लेते हैं, फ्रैक्चर लेंथ को ये कितना गिवेन है तो 249 मिलीमीटर, क्लियर। अब क्या करना है, फर्स्ट डिटरमाइन यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो आपको सोचना है कि यंग्स मॉडल, आपको खुद सोचना है कि यंग्स मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी कैसे निकालेंगे, तो इससे पहले थोड़ा सा कैलकुलेट कीजिए कांस्टेंट हो करके, कि हुक्स लॉ पढ़े थे स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, इस प्रोपोर्शनल को इक्वल मिलाने के लिए कांस्टेंट यूज किए थे कैपिटल ई, इसी को यंग्स मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं, तो ई इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, बस यही से निकालना है, क्लियर। ये सोच लिए आपको पता चल चुका कि हमें यंग्स मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी कैसे निकलेगा, तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तो आप निकाल लीजिए, सबसे पहले क्या कैलकुलेट कीजिएगा, सबसे पहले कैलकुलेट कीजिए स्ट्रेस, स्ट्रेस इज इक्वल टू जिसको सिग्मा से डिनोट करते हैं पी बाय ए, पी कितना है, पी आपका गिवन है 40 किलो न्यूटन डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया गिवन नहीं है डाया गिवन है, ये मिलीमीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए 0.04 मीटर, क्लियर। तो यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा पाई बाय 4 इंटू डाया का स्क्वायर, तो 0.04 का स्क्वायर, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 40 डिवाइडेड बाय पाई बाय 4 इंटू 0.0 का स्क्वायर, तो ये आ जा रहा है हमारा 3.18 × 10^4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्लियर। यहाँ से स्ट्रेस कैलकुलेट हो चुका है, अब हम लोग स्ट्रेन निकाल लें, स्ट्रेन निकालने के लिए क्या करेंगे,
स्ट्रेन निकालने के लिए जिसको एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, क्या होता है चेंज इन लेंथ, तो चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ कितना है आप देख लीजिए, प्रॉब्लम में ही गिवन है 0.0304 और डिवाइडेड बाय लेंथ कितना है, लेंथ भी प्रॉब्लम में गिवन है 200 mm। इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे 0.0304 और डिवाइडेड बाय 200 तो ये आ रहा है 0.00152। ये यूनिट लेस होता है स्ट्रेन, ये आपको पता ही है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब हम लोग स्ट्रेस को, ये यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को निकाल लेंगे। कैपिटल ई इज इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस कितना है 3.18 × 10⁴ डिवाइडेड बाय स्ट्रेन कितना है 0.00152। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ रहा है 2.09 × 10⁸ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बस यही निकालना था, कितना आसान है। अब आगे देखते हैं सेकंड प्रॉब्लम। सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है यील्ड स्ट्रेस। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, यील्ड स्ट्रेस। तो यील्ड स्ट्रेस क्या होता है, पढ़े होंगे आप लोग, यील्ड मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में बात कर चुका हूं, यील्ड लोड डिवाइडेड बाय, यील्ड लोड डिवाइडेड बाय एरिया। यील्ड लोड कितना है, यील्ड लोड गिवन है प्रॉब्लम में देख लीजिए 161 kN, तो 161 डिवाइडेड बाय एरिया, तो पाई बाय 4 इंटू डाया का स्क्वायर 0.04 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे 161 डिवाइडेड बाय पाई बाय 4 इंटू 0.04 का स्क्वायर, तो ये आ रहा है 12.8 × 10⁴ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर, चलिए अब नेक्स्ट थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड कह रहा है अल्टीमेट स्ट्रेस। थर्ड क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेस। अल्टीमेट स्ट्रेस क्या होता है पता होगा आपको, मतलब मैक्सिमम अल्टीमेट स्ट्रेस दिखाए थे ना, अल्टीमेट पॉइंट यानी मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम लोड। तो अल्टीमेट स्ट्रेस इज इक्वल टू मैक्सिमम लोड डिवाइडेड बाय एरिया। हमेशा ध्यान रखना कि स्ट्रेस पूछ रहा है तो लोड डिवाइडेड बाय एरिया ही होगा, लेकिन कौन सा लोड, तो अल्टीमेट स्ट्रेस के लिए मैक्सिमम लोड, यील्ड स्ट्रेस के लिए यील्ड लोड, और सिंपल स्ट्रेस है तो लोड डिवाइडेड बाय एरिया। तो मैक्सिमम लोड यहाँ प्रॉब्लम में गिवेन है 242 डिवाइडेड बाय एरिया पाई बाय 4 इंटू 0.04 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे 242 डिवाइडेड बाय पाई बाय 4 इंटू 0.04 का स्क्वायर, तो ये आ रहा है 19.2 × 10⁴ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं सारा डेटा, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कीजिए और चेक कर लीजिए, ठीक है। अब हमारा लास्ट जो है वो क्या है, परसेंटेज इलोंगेशन। परसेंटेज इलोंगेशन निकाल लीजिए, फोर्थ परसेंटेज इलोंगेशन। परसेंटेज इलोंगेशन ये कैसे निकलेगा, तो इसको निकालने के लिए हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो हमारा लास्ट मतलब लेंथ लोड लगाने के बाद जो लेंथ होता है, मतलब फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ इनटू 100 परसेंटेज में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो फाइनल लेंथ क्या है, यहाँ पे फाइनल लेंथ देखिए मेंशन है लेंथ ऑफ स्पेसिमेन एट फ्रैक्चर, मतलब फ्रैक्चर लेंथ ही फाइनल लेंथ है, फ्रैक्चर लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, इनिशियल लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ, इनिशियल लेंथ इंटू 100। क्लियर, चलिए अब देखिए फ्रैक्चर लेंथ कितना है, ये गिवन है 249 माइनस इनिशियल लेंथ कितना गिवन है 200 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100। इसको सॉल्व कीजिए, 249 माइनस 200 कितना होगा, ये 0000 कैंसिल हो जाएगा, 249 माइनस 200 इज इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 24.5%। यही हमारा आंसर है, क्लियर। कितना आसान है सारा प्रॉब्लम,
जो चारों प्रॉब्लम मैंने सिलेक्ट इसीलिए किया था कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्लियर, आज की क्लास के लिए इतना ही। अगले क्लास में और कुछ प्रॉब्लम लेकर हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।